हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो सारा काम सही से निबड़ गया है, मनदीप की शादी हो गई है, सही से सब कुछ हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं घर चली जाती हूँ। तो मैं इनको कह रही थी मैं घर जा रही हूँ, इनका ही फ़ोन आया था कि कन्नू की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पहले भी पता है कि 2-4 बार इसकी पहले भी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिट आ गई थी। इसको बार बार वॉमिट आती है, इसके पेट में दर्द होता है और इसको कुछ भी नहीं पचता। ये पानी भी पिएगा तो इसको पच नहीं रहा, वही उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। कहते रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि यहाँ रुकने का। गुरुपायल तो कह रही है कि मम्मी कल चले जाना। मैं कह नहीं, कन्नू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसको दवाई वगैरह लेके देती हूँ। तो इंजेक्शन वगैरह भी, इसको उल्टी आ जाती है, जब इसको उल्टी वगैरह लगती है तो कोई इंजेक्शन लगते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइम से ही घर चली जाती हूँ। स्कैब्स आ गई है सोसाइटी में, तो मैं दोनों पायल गोलू को कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, और साथ में मेरे जा रही है मन्नू। कह रही है आंटी आप जा ही रही हो कैब में, तो मैं भी बैठ जाती हूँ, एक से दो भले, तो दो चले जाएंगे। अकेले जाने से अच्छा है तो बातें करते करते निकल जाएंगे आप। हाँ, वक्त का पता नहीं चलेगा। चलो बाय। ठीक है, टाइम से पहुंच के कॉल कर देना। हाँ, मैं कहा शादी सही हो गई, सब कुछ सब सही कुछ हो कहा, गया है। सब कुछ सही निबट हाँ, गया। मैंने कहा अब कन्नू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके देख लेती हूँ, हाँ इंजेक्शन वगैरह लगवाऊंगी ना, सही हो जाएगा वो। ठीक है ठीक हाँ है, फोन कर देना हाँ मैं हाँ फोन कर फिर भी दूंगी। एक बार, मुझे कॉल करना। हाँ वैसे तो मैं ट्रैक करती रहूंगी आपको, मैंने हाँ सारी डिटेल्स आपको सेंड करी है, मैं हाँ आपको ट्रैक करती रहूंगी, बट फिर भी आप भी एक बार मुझे कॉल कर देना। मनु तू भी, ठीक है हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। चलो बाय। बस गाइज, जैसे ही मैं घर पहुंची थी, कन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके पापा चीना बहुत परेशान औरतें सारी रात के जाग रहे थे, वॉमिट बंद नहीं हो रही थी, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया क्योंकि क्या फ़ायदा, पानी की कमी हो जाएगी। तो अच्छे हॉस्पिटल में इसको लेके गए हैं, पहले बालाजी में, वहाँ इसको रूम नहीं मिला। तो वहाँ कहते हैं ना आईसीयू में रूम है, कहते हैं आईसीयू में भी रख लेते कोई बात नहीं, आईसीयू में भी रूम नहीं है और कोई रूम नहीं है। फिर ये आए गंगाराम हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल में भी इसको कोई रूम नहीं मिला। यानी कि देखो हॉस्पिटल भी सारे भरे हुए हैं, हम लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं और रूम नहीं है। उसके बाद ये गंगाराम का ही हॉस्पिटल है जहाँ पर इसको मैं लेके आई हूँ, और कन्नू अपना अब लेटा हुआ है, इसका इलाज चल रहा है। अब इसका अल्ट्रासाउंड हुआ था तो वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है कि अपेंडिक्स ना हो। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा हाय राम, अपेंडिक्स तो बहुत बुरी चीज़ होती है, उसको तो ऑपरेशन होता है, निकालना पड़ता है, नहीं तो फट जाता है, डर रहता है, जहर फैल जाता है। तो शुक्र है कि उन्होंने अभी आके रिपोर्ट दिखाई है, तो कह रहे हैं अपेंडिक्स नहीं है इनका, इसका जो लीवर है ना, लीवर बढ़ गया है। तो आपको पता, बाहर का खाने से बच्चों को थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो ये देखो कन्नू यहाँ पर अपना लेटा हुआ है, दवाइयों का नशा, पूरी रात सोया नहीं, तो अब ये लेटा हुआ है, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ रही है इसको, तो ये अपना सोया हुआ है। अच्छा है इन्होंने हॉस्पिटल में करवा दिया तो सही है। चीना भी पूरी रात नहीं सोई, तो चीना भी अपना यहाँ पर लेटी हुई है। तो इसके पापा अभी घर चले गए हैं, तो थोड़ी देर में वो आ रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ क्योंकि मेडिकल किया हुआ है, मेडिकल के लिए एक फ़ोटो चाहिए। तो इसके पापा की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा आगे से पर्स में एक दो फोटो होनी चाहिए, कभी भी काम आ जाती है। तो वो अब फ़ोटो लेने गए हैं, अभी फ़ोटो लेके वापसी आ जाएंगे। बस अभी 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 ब्लड सैंपल भी लेके गए हैं वो, तो कह रहे हैं कि ब्लड सैंपल दे दो, तो देखते हैं कि किस वजह से वॉमिट आ रही है। पहले भी आपको पता है इसको 2-4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है, मैंने बताया है डॉक्टर को। तो वो कह रहे हैं कि अब जड़ समेधी ख़त्म करके किस वजह से होती है, तो वो ब्लड सैंपल लेके गए हैं, अभी रिपोर्ट देखो सुबह तक आ जाएगी। अब 2 दिन तो रखेंगे ही क्योंकि इसकी वॉमिट बंद नहीं हो रही है, इसको फील हो रहा है वॉमिट आ रही है, वॉमिट आ रही है। इसे कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, जो भी दे के जा रहे हैं, जो भी खाना आ रहा है ये नहीं खा रहा है। इसको ये देखो, ये गैस की ये दी है कि इससे कहीं खाली पेट है, कहीं गैस ना हो जाए। और ये देखो, ये सारा खाना का खाना, सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, दही दलिया खिचड़ी अभी दे के गए थे, पता नहीं क्या है, खोला भी नहीं है इसने, खाया ही नहीं है। और मैंने तो बाज़ार से ये बाहर कुलचे वाला ही खड़ा था, तो मैंने तो कुलचे ही ले लिए थे, 1-1.5 कुलचे से ऊपर खाया ही नहीं गया, तो बस वो खा लिया। रात को खाना तो घर से ही आ जाएगा, ये आएंगे तो खाना ले आएंगे। बस ये भी अभी फ़ोटो लेके आ गए हैं क्योंकि वो कह रही है कि अभी अभी मैं फॉर्म भरवा देती हूँ। अच्छा। ये देखो कितनी देर सोई हुई है। हाँ, सोई क्या मम्मा, आपको आपको क्या पता, पूरी रात हम इधर उधर हो रहे थे, उसके बाद फिर इतनी देर बाद रूम मिला, फिर 10 जब आप आए ना तब जाके मैं फाइनली सोई हूँ। मतलब लगा लो 12 घंटे नॉन स्टॉप इधर कोई हॉस्पिटल में बेड ही ना मिले। हाँ बताया मैंने, मैं कहा ना गंगाराम में ना बालाजी ना गंगाराम की बात है, 12 घंटे जागते रहे 12 घंटे। मतलब 10 बजे हार कर जब अल्ट्रासाउंड हुआ ना मम्मी कन्नू का, जब आप आए तब मैंने आंख बंद करी और फिर मैं ऐसी गहरी नींद सोई हूँ ना। मैं तो घर चला गया था, फिर चीना कहती मैं सो रहती हूँ, आप घर जाओ, घर जाकर सुनाओ। घर ही थोड़ा गया हुआ तो दो 3-4-5 घंटे मुश्किल से
चलो कन्नू के खून टेस्ट हुए। अच्छा ब्लड ले गए थे, अब मैंने कहा रिपोर्ट मिल जाएगी, कहते सुबह मिलेगी। सुबह मिलेगी? हाँ, कन्नू अभी भी सो रहा है। रात को भी हुए? हाँ अभी भी हुए हैं दोबारा। अपेंडिक्स तो है नहीं, एक्टिव है बहुत। है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत एक्टिव है। इलेक्ट्रिशियन आए थे हर थोड़ी देर बाद, सुबह सुबह देखना। अभी आप सोओगे ना 8-7-8 बजे, सफाई ये वो पता नहीं बहुत कुछ। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बड़े नीट एंड क्लीन है सारा, देख इधर साफ सुथरा अच्छा है। नहीं मतलब बहुत है पापा, फैसिलिटी भी है। मुझे देखो ऐसे तब से ऐसी घूम रही हूँ, अब घर जाके नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं मुझे तो। तो आप इसके साथ चले जाओ, मैं यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि इस एक ही बंदे की रहने की जगह है। हाँ। और एक ही रहे, क्यों बात नहीं, मैं चिड़ा चिड़ा अलाउड ही है क्या? हाँ तो वही तो कह रही हूँ, एक ही बंदे की रहने की जगह भी है, अलाउड भी है। मैं तो आया था फोटो देने के लिए, फोटो मांग रही थी ना। हाँ दे दी, बाहर अंदर ही पड़ी है ये। सुबह अमन चाचू आए थे, ऑफिस आते हुए ना मैंने कहा कहाँ है, मैंने कहा सिटी, कह रहे नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, रूम नंबर बता, एक सेकंड में अंदर आ गए। उनको पता है ना कहाँ पे है ये। ये आपकी आंखें सूजी सूजी क्यों लग रही है? मुझे तो सूजी लग रही है ये वाली जगह, ये ये भी सूजी है, नीचे भी है। नींद पूरी नहीं ना, पूरा दिन जागते रहे हैं, 12-13 घंटे जागते रहे हैं, आवाज पूरी खराब हुई पड़ी है। मत आते फिर आप। अच्छा फोटो के फोटो लेना पड़ा ना, अच्छा कर दिया है। कल सुबह दुकान पे जाओगे ना फिर? हाँ दोस्त सुबह अरे दुकान, 2 दिन दुकान नहीं गया, मैं दुकान जाऊंगा जाऊंगा उस दिन छुट्टी आ गई तब नहीं गया। अब फिर कल कन्नू बीमार हो, बीमार है, अब तो जाने पड़े दुकान जाने पड़ेगा ना, काम देने में आ रहा है। कस्टमर के फोन भी आ रहे हैं कि काम देना है, तो कल तो मजबूरी दुकान खोलनी पड़ेगी, चाहे नींद आए चाहे तबियत खराब हो चाहे कुछ हो। अभी गोलू पायल और संदीप का सबका फोन आया था। अच्छा हाँ, कन्नू का पूछने के लिए कह रहे हैं अजमेर आप ना ऐसे करो, अल्ट्रासाउंड मैं करवाया है। हाँ। तो संदीप कहता है अजमेर शरीफ जाना, तो उनके नाम के ना कहते पैसे वार के रख दो। अच्छा। जितनी आपकी श्रद्धा है। मैं कहा ठीक है, कहता 101 वार दो जो आपका दिल करे। मैंने कहा ठीक है, मैंने वार दिए। कहता फिर दोबारा शाम को फोन आया, कहता कुछ निकला अल्ट्रासाउंड से? मैं कहा नहीं, कहता मैंने कहा था ना नहीं निकलेगा। अच्छा। मैं कहा विश्वास की बात है ना अपने अपने, वो तो बहुत मानते हैं। हाँ हाँ, जब बीमार हुआ था। हाँ। तब भी ये गए थे, तभी उसके पैसे वार के रखे थे। वो कह रहे अब मैं जाऊंगा अजमेर शरीफ। हाँ अब कह रहे मैं जाना है अजमेर शरीफ बच्चों को लेके, ठंड के कारण नहीं जा रहे थे वो। हाँ ठंड थी, बच्चे छोटे हैं। जा जाना है तो फिर चले जाओ, कैब कर लो। अच्छा वो आज हमारा ब्लॉग भी नहीं आया देखो। नहीं कैब भी कर रही है सुबह, वो आ रहा है, उसको बोला है चीना की सहेली है, वो गाड़ी गाड़ी लेके कह दी मैं साथ चलूंगी साथ में। अच्छा चलो उसी से चले आएंगे। अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो चीना कहती है मम्मी ये भी आए थे साथ में, मैं और ये वापस घर आ गए। और चीना कह रही मम्मी मैं रुक जाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि एक ही बंदे को रुकने देते हैं, आपको थकावट होगी, आप भाई 2-3 दिन शादी पे थे वहाँ पर थक गए होगे, तो आप घर जाके लेट जाओ, तो मैं कन्नू के साथ रह लेती हूँ। तो मैं घर आ गई हूँ, अब 9:30 बज चुके हैं। तो आते सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई है चाय। आज बड़े दिन से अपने हाथ की चाय नहीं पी, अपने हाथ की चाय पीने का भी एक अलग ही स्वाद है। तो इन्होंने तो पीनी नहीं थी चाय, कहते मेरे को नींद नहीं आती चाय पी के, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है। अभी रोटी का देखते हैं कि क्या बनाते हैं, ताकि सुबह भी दिक्कत ना हो इनके लिए। रोटी सब्जी अभी बना के रख दूंगी तो सुबह दिक्कत नहीं आएगी, रोटी बना के फटाफट में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, ताकि चीना वापस आ जाएगी घर। फिर जब गर्मी आती है सर्दी आती है इनका रूप चेंज हो जाता है। जैसे सर्दी आती है इनको कपड़ों पहनते हैं तो अजीब से लगते हैं, अब उतार दिए हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नंगे डंगे से है ये। और डॉगीज तो होते ही ऐसे हैं, अजीब सा लग रहा है। बस थोड़े दिन तक अजीब लगेगा, उसके बाद ये सब एक जैसे लगने लग पड़ेंगे फिर दोबारा से। तो बस कोको रोटी खा ली, रोटी खा ली मेरा बच्चा। पूछी कहाँ है? पूछी पूछी कहाँ है? पूछी पूछी कहाँ है? चीना कहाँ है? चीना पूछी, चीना आएगी, भाई पास है चीना, चीना ना भाई पास है, ठीक है। बस रात को मैंने बनाई है माँ चने की दाल, जो माँ की साबुत वाली दाल नहीं, जो आधी आधी वाली दाल होती है जिसको दली दाल कहते हैं काली वाली, तो वो इनको अच्छी लगती है तो मैंने बना दी है। कहते माँ चने की दाल बना के रख दे, रात को भी, अब रात को भी खा लेंगे ये, और कल सुबह भी मैं रोटी बना के हॉस्पिटल चली जाऊँगी तो ये रोटी खा लेंगे। मैंने रात को आना होगा तो आ जाऊंगी, नहीं आना होगा चीना रुकेगी, कैसे रुकता है क्या होता है क्या नहीं, तो कल का कल देखेंगे कौन रुकता नहीं, तो मैं ही रुक जाऊंगी। तो बाकी परसों तक तो मुझे लग रहा है कि छुट्टी हो जाएगी, तो बस दाल बन रही है तो बस फूल के साथ साथ बना दूंगी। कोको पुची ने खाना खा लिया है, बस काम निबड़े सोते हैं। इतनी थकावट लग रही है गाइस, इतनी थकावट लग रही है। 3 दिन तक हम बहुत लेट सोते थे, बहुत लेट सोया है, तो
बहुत ज़्यादा थकावट है, तो आज ऐसी नींद आ जाएगी, और सुबह ये है कि जल्दी उठना है और फटाफट हॉस्पिटल पहुँचना है, तो मैं यही कह रही, रोटी खा के जल्दी सोते हैं, जल्दी उठेंगे। और गोल्डी आए थे तो दोनों पूछने के लिए कन्नू का और ये सब्जी भी दे गए हैं, ये बनाई है इन्होंने आलू और छोलिए की। इस बार मैंने छोलिया बनाया ही नहीं, आलू छोलिए की शक्ल से बड़ी टेस्टी बन रही है। डॉली कहती है आज सिर्फ गोल्डी गोल्डी ने बनाई है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। अभी अभी मैंने चीना को फ़ोन मारा था तो चीना कहती है मम्मी कन्नू सो चुका है, मतलब दो तरह की ड्रिप चढ़ी थी उसको, तो वो अपना दी तो वो सो चुका है, तो मैंने कहा तू भी सो जा साथ ही साथ, तो सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। और गाइस यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, प्लीज़ आप भी भगवान से प्रेयर करो कि कन्नू जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से घर आ जाए। बाय बाय गाइस। पूछी ओ पुछू पुछू ओए, तो अपनी जगह पे सो जा, सेंटर में सो, ये पापा की जगह है। चलो ओए 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 छोटा सा बच्चा, उधर सो जा। सोनी नहीं रही, अभी पापा आएंगे तो गुच्छा करेंगे, गुच्छी गुच्छी करेंगे, फिर तू उधर जाके सोएगी। अब इसको इतनी गहरी नींद आ रही, पता है मेरी माँ आ गई है तो ये गहरी नींद में सोएगी। कल इसने बहुत परेशान किया है गाइस, रात को 2:30 बजे तक बाहर बैठ के भौंक रही थी।